हेलो नमस्कार, मैं श्रीवास और कक्षा 12 के लिए अपने हम के 140 में है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्ले ऑफ टीम्स के बारे में। उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपवर्तन चल रहा था। नेक्स्ट पार्ट जो वो है इसका बोलिए सतह से अपवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बड़े क्वेश्चन के लिए। जो बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इसमें अपवर्तक सतह से अपवर्तन पूछा जा सकता है। एक पार्ट और हम इसका करेंगे आगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। लेंस निर्मात्री सूत्र में हम इसी टॉपिक का भी यूज करेंगे, इसके जो रिजल्ट आएंगे उनका यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो अपवर्तक सतह क्या होती है। अपवर्तक सतह जैसे लिखा गया है कि अपवर्तक अपवर्तन की घटना हो ऐसी सतह, लेकिन वो सतह किस प्रकार की हो, गोलीय अपवर्तक सतह, कि अपवर्तक जो पृष्ठ होता है वो किसी गोले का भाग हो। ऐसी सतह जिसका अपवर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग हो उसे अपवर्तक गोलीय सतह कहते हैं। जिसका जिसका अपवर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग हो, गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। अब इसे अपवर्तन के पढ़ने के से पहले हमें हम इसे अपवर्तन पढ़ेंगे। जैसे सतह के बारे में बात करें तो इस तरह की सतह हो सकती है, ये गोलीय की सतह, पीछे कैसा भी भाग हो सकता है, ये पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कांच का टुकड़ा है, अगर ऊपरी सतह घिसकर इस तरह से बढ़ा दी जाए तो ये कैसे दिख रही है कि ये वाला भाग जो है वो जहां से अपवर्तनी घटना होगी, प्रकाश के अंदर जाएगी, फिर अपवर्तन होगा, फिर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसमें जो सतह है वो किसी गोले का भाग है, यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक गोले का निर्माण होगा। तो ये सतह क्या कहलाएगी, अपवर्तक गोलीय सतह कहलाएगी। एक बात तो ये, अब ये उत्तल भी हो सकती है अवतल भी हो सकती है, सामान्य बात है ये, इसमें ज्यादा समय खराब भी करेंगे। जैसे ये कहें ये उभरा हुआ भाग है, तो ये ऊपर का जो भाग है ये उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह हो गई। इसी को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, तो ये कैसी हो गई, ये अवतल गोलीय सतह। तो दोनों से ही हम डेरिवेशन कर सकते हैं, एक से हम करेंगे जो हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस के अनुसार है, बाकी किसी से भी किया जा सकता है, सभी से रिजल्ट हो गया। इमेज जो है प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी जगह बदल जाएगी, तरीका बदल जाएगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं। अब देखो इसके लिए भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है सिंप्लीफाई करने से पहले, डेरिवेशन शुरू करने से पहले। जैसे हमने परावर्तन में बात की थी कि सभी जो दूरियां हैं वो पी से मापनी है, यहाँ पर भी वही बात है। तो यहाँ पर भी इसका जो मध्य बिंदु होगा वो पी होगा, ये जो होगी ये मुख्य अक्ष होगी। शॉर्ट में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, सभी बातें हमें पहले की क्लासेस आपने देख रखी है, तो सारी बातें हम कर चुके हैं वो पता होगी, नहीं पता है तो पहले आप पहले का पढ़ लें तो पता चल जाएगा। हम यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका बिंदु जो है वो क्या होता है, पी होता है, ध्रुव। ध्रुव सारी जो दूरियां हैं वो पी से मापनी है। पहले भी मैंने बताया था कि आप एक बात को ध्यान रखें, पी से चल रहा है, उस समय मैंने जिक्र किया था कि इस बात का पीछा तब जब तक चैप्टर चलेगा तब तक रहेगा। हमने परावर्तन में भी ये बात पढ़ी थी, अपवर्तन में भी ये बात काम आई है, और अब अपवर्तन से गोलीय सतह के अपवर्तन में पहुंच रहे हैं तो वहां भी काम आएगी, लेंस मेकर फॉर्मूला में भी काम आएगी, सब में काम आएगी बात कि चलना कहां से है, पी से चल। प्रकाश किरण की गति की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, प्रकाश किरण के गति के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। चलना कहां से है, पी से। जैसे मान लो प्रतिबिंब यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, तो प्रकाश किरण देखो इधर से आ रही है, इधर जा रही है, पी से हम इधर जा रहे हैं, तो प्रकाश किरण भी इधर इधर जा रही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, दोनों की दिशा में हो गए। तो ये वाली दूरी अगर हम मापेंगे तो अगर v है ये, तो इस v को किस में लिखेंगे, हम प्लस में लिखेंगे। वस्तु यहां रखी है मान लो, तो अब इस वस्तु तक पहुंचने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, प्रकाश किरण इधर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत हो गई। इसलिए इसका जब u लिखेंगे वस्तु की दूरी, तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर इनको हम गलत कर लें तो पहले भी हमने दो तीन टॉपिक पढ़े थे, दर्पण समीकरण और F और R में संबंध, तो हमने देखा कि वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं सारे, अगर इनको हम सही यूज नहीं करें तो।
वैल्यूज गलत हो जाती है, रिजल्ट सारे गलत हो जाते हैं, किया गया सब खराब हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात में इनके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। और एक बात कि यहाँ जब सतह के लिए सोल्व किया जाता है तो वस्तु को बिंदु के समान लिया जाता है। जब दर्पण में हमने सोल्व की थी बात, तब हमने इस तरह से लिया था, जैसे कि ले लिया हम लोग का दर्पण, वस्तु को यहाँ रख दिया, प्रकाश की रह से जा रही है, टकराकर आ रही है और एफ से गुजर रही है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो हमने इस तरह से इस मिल को ले लिया और वस्तु को इस तरह से रख दिया, ए बी मान दिया, जहां पर के भी माना है वहां ए डैश बी डैश मान दिया। गोलीय सतह से क्या होता है कि वस्तु अधिक दूरी पर स्थित होती है, वस्तु को बिंदु के समान लेते हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी बिंदु के समान ही प्राप्त बनता है। तो यहाँ वस्तु जब हम रखेंगे, जैसे ये सतह कोई और यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम वस्तु को ऐसे रखेंगे कि ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश फिर जा रही है, इधर जा रही है, फिर हम उसके कोण लेंगे। मुख्य अक्ष पर वस्तु स्थित होती है हमेशा, लेकिन यहाँ एक बात और ऐड हो गई कि वस्तु को बिंदु के समान लिया जाता है। बाकी सारे नियम यहाँ पर भी वही होंगे, चलना हमें कहाँ से है, पी से है, प्रकाश किरण की गति की दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो दूरियां पॉजिटिव होंगी, अगर हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दूरियां निगेटिव होंगी। क्लियर, बाकी बातें वही है कि ये वस्तु जो है वो किस तरह से प्रकाश किरण वहां से मुड़ेंगी, अभिलंब से दूर हटेगी पास आएगी, वो सारी बातें किस पे डिपेंड करेगी। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो अभिलंब के समीप जाएगी, और अगर सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी बात कर चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी। उसके अनुसार हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अभिलंब हमेशा कहां से गुजरेगा, सी से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। सेंटर कहां से आएगा, जब हम ये कह रहे हैं कि गोलीय अपवर्तक सतह है तो ये गोला तो होगा ही, इसका गोला होगा तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, तो उस त्रिज्या से ये गुजरेगा। ये तो आगे इसकी सामान्य बातें। अब हम इसका डेरिवेशन शुरू करेंगे गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। तो इसके लिए उत्तल सतह से भी हम कर सकते हैं, अवतल से भी कर सकते हैं। नॉर्मली एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है कि कौन सी सतह से करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तल के लिए आपके बुक में शायद दे रखा होगा, तो हम उत्तल से कर लेते हैं, तो आप भी उत्तल से ही सीख लें, अवतल से भी करके देख सकते हैं। और इसको आठ तरह से किया जा सकता है, लगभग आठ तरह से, कि वस्तु जब विरल माध्यम में स्थित है, वस्तु जब सघन माध्यम में स्थित है, आवासीय प्रतिबिंब बन रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं, चार घटनाएं उत्तल के लिए हो गई, चार घटना अवतल के लिए हो गई। तो हमें ज्यादा इतना सोचना नहीं है, हमें एक मेथड अपने को पता होना चाहिए, उसके अनुसार आप सिंप्लीफाई करें, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इतने भी कर सकते हैं। हम यहाँ एक ही तरीका करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार, गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन। हम सतह जो ले रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं उत्तल गोलीय सतह से अपवर्तन। थ्योरी के अंदर भी अंदर हमें कुछ लिखनी नहीं है। ऑब्जेक्ट जो लेते हैं, वस्तु जहां रखी गई है ऑब्जेक्ट को ओ से लेते हैं, इमेज जहां प्रतिबिंब बनता है उसको आई से लेते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब के अनुसार मुड़ती है, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, दूर जा रही है ये सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब हमेशा सी से गुजरता है। अब हमें इसके लिए क्या करना है, संबंध हमें प्राप्त करना है। नॉर्मली ये कह सकते हैं पदार्थ के अपवर्तनांक वक्रता त्रिज्या यू और वी में संबंध को व्यक्त करता है। क्वेश्चन ये भी दे देते हैं कि गोलीय अपवर्तक गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, पदार्थ का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली किस में संबंध बताएगा, ये संबंध बताएगा यू वी आर व म्यू में, म्यू लिख दो चाहे एन लिख दो, जिससे भी आप लिख दें। अब हम मान लेते हैं कि माना उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं।
कि ये उत्तल गोलीय अपवर्तन सतह है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये समझ में आ गया तो अगला टॉपिक भी समझ में आ गया, पूरा देखिए आप अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है हमारे पास। चलना कहां से, हमें इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चलना कहां से है, P से चलना। माध्यम बाहर कुछ भी हो सकता है, इस माध्यम को हम नाम दे देते हैं, ये म्यू वन माध्यम है, ये तो माध्यम है वो मान लेते हैं क्या है, म्यू टू है। यानी अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू टू है, बाहर म्यू वन है। इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो अंदर कांच है, कांच है, ठीक है, ये अपवर्तक सतह होगी तो अंदर दूसरा माध्यम हो गया, पानी भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो ये ठोस माध्यम है, ठोस का मतलब सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। वस्तु यहां स्थित है, ये वस्तु की दूरी है यू, लेकिन मान रखते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या रखना है। यहां से ये बिंदु O है, यहां से प्रकाश किरण चलती है और यहां आपतित होती है, यहां से अभिलंब कैसे गुजरेगा, अभिलंब हमेशा किससे गुजरता है, जिस बिंदु से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर से गुजरता है। अब ये नहीं मुड़े तो किधर जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये मुड़ जाते हैं किधर, अभिलंब की ओर, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं और यहां पर आकर जहां तक आती है मुख्य अक्ष पर, वहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है, आई है। कोण तो होते हैं इसके अंदर, अल्प होते हैं कोण, थोड़े बनते हैं, छोटे कोण बनते हैं, वो सारे मुख्य अक्ष के साथ बनते हैं। यहाँ वस्तु तो नहीं है ए बी, जिसकी हम ऊंचाई के अनुसार सोल्व कर लें, कोणों के अनुसार इसको सोल्व किया जाता है। तो वस्तु का से चलने वाली प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो मान लेते हैं क्या है, अल्फा है। प्रतिबिंब का जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं बीटा है, और अभिलंब का जो कोण बनता है वो मान लेते हैं गामा है। तो क्या क्या बातें मान के चल रहे हैं यहां, माना वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण का अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ है, का मुख्य अक्ष से कोण क्या है, अल्फा है। इसी तरह से प्रतिबिंब द्वारा मुख्य अक्ष से बना कोण क्या है, बीटा है, और अभिलंब यानी सी से या कहते हैं अभिलंब का मुख्य अक्ष से बना कोण क्या है, ये बातें हम इसमें मान के चलते हैं। अब जहां देखो, जहां प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब की दूरी को हम किसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। जहां केंद्र होता है, केंद्र तक की दूरी सतह से त्रिज्या होती है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको सोल्व क्या करना है, देखो हमें रिलेशन निकालना है, देखो किसके लिए, आई के लिए और आर के लिए, किसके लिए, आई के लिए आर के लिए। आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, जो अभी तक हमने लिखे नहीं है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण आपतन कोण होता है। तो आपतित किरण तो ये है और ये हो गया अभिलंब, इसके साथ जो कोण बनेगा ये क्या है, ये आई है। और अपवर्तित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तित किरण कौन सी है, ये है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो एम बिंदु दे देते हैं। तो एम आई जो है ये अपवर्तित किरण है,
और अधिलंब जो सी से गुजर रहा है ये अधिलंब है, इसके साथ जो कोण बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हम सोल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन हमें निकालना है सभी में आपस में संबंध, जो वैल्यूज ले रहे हैं हम यू वी आर म्यू वन म्यू टू, इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें रिलेशन निकालना है। इसके लिए हमने बातें मान ली, अल्फा बीटा और गामा की कोण ले लिए, उसके अलावा क्या बात लेकर चल रहे हम, उसके अलावा आई और आर अपने पास है, तो हमें क्या निकालना है, आई और आर के मान निकालने हैं। उसको कहाँ रखेंगे हम, हमारे पास हमें पता है अपवर्तन आया तो एक ही नियम अपने पास और कुछ है ही नहीं, कौन सा, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो साइन आई, अब एंगल जब छोटे होते हैं तो इन बातों को हम यूज कर चुके हैं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज ए थीटा एंड टेन थीटा ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए थीटा, ये हम आर और एफ के संबंध में लिख चुके हैं इस बात को। तो साइन आई को क्या लिख देंगे, आई, साइन आर को क्या लिख देंगे, आर। तो हमने क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्या करें इसको, या म्यू भी लिख सकते हो क्या, लेकिन मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अपने को अगले टॉपिक में ये फॉर्म काम आएगी और यहां से हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लास्ट में हम इसको वापस म्यू में बदल देंगे तो अपने पास दोनों फॉर्म रहेगी, म्यू टू और म्यू वन वाले फॉर्म भी रहेगी और म्यू वाले फॉर्म भी रहेगी। तो हमें जब इसकी जरूरत रहेगी तब हम यहां से डायरेक्ट उठा लेंगे इस वीडियो को, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कहां से आएंगे, ठीक है, उसी को हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। अब कोण छोटे हैं तो आई साइन आई को आई लिख देंगे, आर को साइन आर को आर लिख देंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन इनका वजन गुणा कर देंगे, आई इंटू म्यू वन आर इंटू म्यू टू। तो यहां आई और आर के मान हम इन फॉर्म में यू वी और आर के फॉर्म में निकाल लेंगे और वो यहां पुट कर देंगे, क्लियर। तो ये काम तो अपने को करना पड़ेगा बाद में, पहले अपने को क्या निकालना है, आई और आर के मान निकालने। अब वो कैसे निकालना, उसके लिए देखो अपने पास त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज है ओ एम सी, ये त्रिभुज है, इनमें हम क्या करें, आई और आर में रिलेशन लेंगे, पहले तो आई और आर की समीकरण निकालना, कैसे निकालें, यहां से देखें त्रिभुज कौन से ओ एम सी से क्या दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो बाहर की तरफ जो कोण बढ़ता है वो बहिष्कोण हो गया, एक्सटर्नल एंगल, जो दोनों अंदर के इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, इस आई की वैल्यू गामा और अल्फा के योग के इक्वल होगी, तो हम क्या लिख देंगे, से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एल्फा प्लस गामा। मतलब आगे बात, त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ओ एम सी, इसमें ये दो अंदर के कोण हो गए, इस भुजा को किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाला कोण बहिष्कोण होता है, जो अंदर के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें पता है कोण छोटे हैं तो थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मान कैसे निकालेंगे, इनके मान एल्फा और गामा के, इसके बाद टेन की फॉर्म में निकालेंगे, एल्फा कैन बी रिटन एज है टेन एल्फा एंड गामा कैन बी रिटन एज है टेन गामा। तो यहां क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू टेन एल्फा प्लस टेन गामा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब टेन एल्फा टेन गामा का मान कैसे निकालेंगे, जो यहां से लंब डाल देंगे, ये बात हम पहले यूज कर चुके हैं, ये लंब डाल देंगे तो P के पास नहीं होगा वो बिंदु, लंब डाल दे तीन समकोण त्रिभुज बढ़ जाएंगे, एक ये वाला और एक इधर वाला, सब में एक ही कोण है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, तीनों से टेन एल्फा टेन बीटा और टेन गामा के मान आ जाएंगे और वो अपने यहां पुट कर देंगे और फिर उसके बाद वो प्रोसेस चालू कर देंगे। अब अपने को आर का मान और निकालना, आर किस में आ रहा है, देखो इस त्रिभुज में आ रहा है एम आई सी, इस त्रिभुज में देखें एम आई सी, इसमें इसमें देखें तो इस त्रिभुज की इस अक्ष को आगे बढ़ाया गया है, कहा यहां तक आगे बढ़ाने पर जो कोण बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, गामा, कौन सा कोण है वो, बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण हो गया जो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा,
तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस बीटा, आर निकालना तो बीटा इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहां से त्रिभुज क्या आएगा एम आई सी से क्या आएगा गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा बीटा इधर आगे माइनस गामा माइनस बीटा। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं और छोटे हैं तो आर सॉरी गामा जो है उसको लिख सकते हैं टेन गामा और बीटा जो उसको लिख सकते हैं टेन बीटा, दोनों मान लीजिए आर इज इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई दो। ये तो हो गया किसके मान आ गए आर और आर के और आई के मान आए समीकरण फोर में। अब यहां पर तीन मान निकाल के रखने लिए हैं पहले कौन कौन से टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा तीनों मान रखेंगे यहां। इसके लिए क्या करते हैं रचना करते हैं कि यहां से हम क्या करते हैं लम डाल देते हैं सामने वाले भुजा पर एम एन और एन जो है वो क्या है नियर अबाउट इक्वल टू पी है पी के बिल्कुल नजदीक है इसलिए हम क्या करेंगे इसी को एन जहां भी आएगा वहां पी लिख देंगे क्योंकि चलना कहां से हमें पी से तो दूरियां भी कहां से मापनी है पी से मापनी है इसीलिए एन की जगह क्या पुट कर देंगे पी। इस यहां त्रिभुज तो कोई बढ़ नहीं रहा इसलिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इसीलिए कंस्ट्रक्शन की गई है। तब देखो तीन त्रिभुज है तीन मान है इसे त्रिभुज इधर वाले से निकाल लो अल्फा ओ एम एन ओ एम एन से क्या आएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब कितना है एम एन और आधार कितना है ओ एन और ओ एन को क्या लिख सकते हैं ओ एन को क्या लिख सकते हैं ओपी लिख सकते हैं। एक मान आ गया दूसरा मान दूसरे त्रिभुज से इसे निकाल लें त्रिभुज किससे सी एम एन से सी एम एन से क्या आया टेन गामा इज इक्वल टू वही नंबर बटे आधार एम एन बटे आधार क्या है एन सी एन सी की जगह क्या लिख देंगे टेन गामा इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी सी और इसी तरह से तीसरा मान निकाल लें इस वाले बड़े वाले त्रिभुज से आई एम एन से आई एम एन से क्या आएगा टेन कौन सा कौन बन रहा है बीटा लंब बटे आधार लंब कितना है एम एन आधार कितना है एन आई इधर क्या लिख देंगे पी आई एम एन अपॉन क्या हो गया पी एन। ये मान आ गए अब ये सारे मान समीकरण एक और दो में रख लेंगे तो नई समीकरण आ जाएगी आई और आर की फिर हम लगाएंगे इसमें तो यहां रखें समीकरण एक व दो में समीकरण एक व दो में सभी मान रखने पर क्या आएगा आई इज इक्वल टू टेन एल्फा प्लस टेन गामा है टेन एल्फा का मान रखे ध्यान रखे गलती नहीं हो जाए हो जाए तो फिर आप सुधार लेना ओपी प्लस टेन गामा का मान क्या है एम एन अपॉन पी सी उसके बाद आर का मान ले आर का मान टेन गामा माइनस टेन बीटा टेन गामा एम एन अपॉन पी सी एम एन अपॉन पी सी माइनस टेन बीटा का मान एम एन अपॉन पी आई इसको समीकरण नंबर दे देते हैं तीन इसको समीकरण नंबर दे देते हैं चार। ये इतना काम हो गया अब लगाते हैं स्नेल लॉ बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होते हैं साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो रहा है विलोम से सघनमी आ रही है तो म्यू टू अपॉन म्यू वन आप इसी फॉर्म में रख लें एक बार डायरेक्ट म्यू से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ये तो हो जाएगा लेकिन हमें आगे के टॉपिक में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी फिर हमें सारी बात दोबारा करनी पड़ेगी इसीलिए हम इसको क्या लेकर चल रहे हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन अदरवाइज ओनली फॉर दिस टॉपिक अगर बात करें तो आप ओनली म्यू भी ले सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें पता है म्यू किसके इक्वल होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होता है तो इसी को ले लेते हैं
अब एंगल छोटे होते हैं तो साइन आई कैन बी रिटन एज आई, ठीक है, कोण अल्प है, क्या है कोण अल्प है, अतः साइन आई कैन बी रिटन एज आई और साइन आर कैन बी रिटन एज ए आर, क्या रहेगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो यह आ गया आई इंटू म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, इक्वेशन देने से पांच, समीकरण पांच में आई और आर के मान रख दो और सिंपलीफाई कर, खत्म। समीकरण पांच में आई व आर के मान रखने वैल्यू आई का मान लिया था म्यू वन इंटू क्या आएगा एम एन अपॉन ओपी प्लस एम एन अपॉन पीसी बराबर म्यू टू इंटू आर का मान रखेंगे एम एन अपॉन पीसी माइनस एम एन अपॉन पी आई, पीसी देखो दोनों में आ रहा है तो एक तरफ कर लेंगे क्योंकि पीसी बराबर क्या है आर है प्लस माइनस देख लेंगे नियम क्या है और बाकी मिल जो सोल्व कर दो, देखो एम एन कॉमन आ जाएगा उधर भी कॉमन आ जाएगा कट गया, ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन ओपी प्लस म्यू वन अपॉन पीसी म्यू टू अपॉन पीसी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई, क्या देगा इसको इधर ले आए म्यू टू अपॉन पी आई को इधर ले आए और पीसी वाले वैल्यू को उधर ले जाओ, तो याद है म्यू वन अपॉन ओपी फिर रख देंगे सबके मान प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पीसी माइनस म्यू वन अपॉन पीसी, एलसीएम ले लेंगे पीसी तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो गया। अब यहां सारे मान रख दे यहां, अब आपको ध्यान रखना ओपी बराबर क्या है पी आई बराबर क्या है और पीसी बराबर क्या है, अब आपको प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी जिनका ध्यान रखना है। ओपी बराबर क्या है तो आपको अब पता चल रखना है कि चल रहा कहां से है, कहां से पी से चल रहा है, पी से चलने के लिए इधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, प्रकाश के देव किधर जा रही है उधर जा रहे हैं, हो गए विपरीत, इसलिए यू किस में आएगा माइनस में, ओपी बराबर क्या आएगा माइनस यू, पी आई इधर जा रहे हैं आई किधर इधर जा रहे हैं पी से चलना है इधर जाएंगे, प्रकाश के देव इधर ही आ रही है अपवर्तन के बाद इसीलिए प्लस में आएगा क्या बी, और आर भी किस में आएगा प्लस में, समीकरण छह दे दें, समीकरण छह में ये मान रख दो और फाइनल इक्वेशन आ गई है समीकरण छह से, तो ये आ गया माइनस यू रखेंगे तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू क्या देगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, इस समीकरण का हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में, तब हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है और अपवर्तक सतह से अपवर्तन होता है तब ये फॉर्मूला क्लियर होता है, हम वहां इतना काम सोल्व नहीं करेंगे, हम वहां इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करेंगे, परीक्षा में भी आ जाता है कि अपवर्तक सतह से अपवर्तन की घटना के लिए सिद्ध कीजिए और ये समीकरण दे दी जाती है तो आपको ये सिद्ध करनी है, दूसरी समीकरण आपको म्यू की फॉर्म में भी दे दी जाती है तो हमें पता है म्यू टू अपॉन म्यू वन जो है वो किसके बराबर होता है म्यू के बराबर होता है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन लाने के लिए पूरी समीकरण में म्यू वन का भाग दे दो, जहां म्यू वन अबा तो कट जाएगा जहां म्यू टू अबा क्या आ जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन आ जाएगा, तो इसकी दूसरी फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए म्यू वन का क्या कर दो भाग करने का, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन आ जाएगा ये अपॉन वी इज इक्वल टू क्या है म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन में म्यू वन में भाग देंगे तो वन, इसीलिए क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर,
तो बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और एग्जाम में भी ऐसा सिद्ध करने के लिए मिल सकता है कि अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए माइनस वन अपॉन यू प्लस यू अपॉन बी इज इक्वल टू यू माइनस वन अपॉन आर, ये भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला। और ये भी कहा जा सकता है कि इनमें संबंध प्राप्त कीजिए, लेकिन ये वर्ड जरूर लिखे जाएंगे कि गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन के लिए ये संबंध इनमें संबंध प्राप्त कीजिए, या ज्यादातर फॉर्मूला दिया जाता है, ये रिजल्ट लिख दिया जाता है कि ये सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। ये बात आप जरूर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। देखो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, हमने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज के यूज किए, कोण बनाए, टेन थीटा लंबा डे आधार, सारे नौवीं दसवीं क्लास की बात की है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका जो है उसका आपको बिल्कुल फॉलो करना है, किस तरह से सोल्व किया गया उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सावधानी से करें, महत्वपूर्ण है ये, एक दो बार करके देख लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गलती होगी तो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में रिजल्ट दे दिया जाता है। अब रिजल्ट नहीं मिले तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, दोबारा चेक कर लो, जहाँ गड़बड़ होगी वहां उस गड़बड़ को सुधार लो। अब आप न्यूमेरिकल पूछे जाए तो यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन अगले टॉपिक में नेक्स्ट त्रिमात्रिक सूत्र में हम इस समीकरण का जब यूज करेंगे तब हम इतना कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसकी अलग कैलकुलेशन है। तो उस कैलकुलेशन के लिए हम यहीं से सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि लेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, वही उत्तल अवतल उस तरह की घटनाएं आएंगी सारी, और फिर हम उसमें लेंस लेकर लेंस बनाएगा जो सूत्र होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आप ये रिव्यू करके देख लें पहले, अच्छी तरह से समझ लें, बाकी बात फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी ने इसको तब तक आप रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें। थैंक यू।